जी न्यूयॉर्क से कराची और लंदन से लाहौर तक तमाम देखने सुन समझने वालों को मेरी यानी आरजे जैन की तरफ से सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे पता है पिछला व्लॉग आपने देखा, पसंद आया आपको, वो लंबा बहुत हो गया था, इसलिए दो पार्ट में इसको तकसीम किया है, इसको सेपरेट किया है, इसको जो भी किया है डिवाइड किया है। तो चलते हैं बाकी के व्लॉग देखते हैं, और इससे पहले आप आगे बढ़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रियान? खैरियत से? ठीक है, मोहब्बत यार। और हमारी ड्रामे की रिहर्सल चल रही है, आप तशरीफ ले और तशरीफ आ गए, बहुत शुक्रिया। मैं सब खैरियत से। सर ड्रामे में कोई ड्रामी गानी सुना रहे? ड्रामे कहानी नहीं, ड्रामा तो खैर कहानी है, ड्रामा खुद एक कहानी है। लेकिन ईद मिलो दिल से, सबसे पहले तो आप एक साथ बैठ के खा, जो एक साथ बैठ के निवाला खाते हैं उसकी ज़्यादा अहमियत है। कितनी अच्छी बात है, ये छोटी सी उम्र में अगर आप ये सोच रख के, ये थॉट रख के आप ड्रामा लिखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो शकील भाई भी हैं ड्रामे में मेन लीड करेक्टर, तो डर लग रहा है, सारे लीड हैं माशाल्लाह, सारे सीनियर हैं, मेरा लिखा हुआ कर रहे हैं, मैं पिस रहा हूँ। नहीं नहीं यार, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आपने इनको बोल चैनल में फैसल कुरैशी के साथ देखा, उस छोटी सी जगह से ये मेहनत करते करते आज आर्ट काउंसिल में ईद का ड्रामा लिखना एक आर्टिस्ट के लिए, एक राइटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं इस बात पर आपको बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा भाई, और गाँव में ज़रूर याद रखूँगा कि शर्मी इसी तरह मेहनत करते रहे, इसी तरह अपने वालिद का नाम रोशन करना, और जितने भी आर्टिस्टों के बच्चे हैं यहाँ पे सभी मौजूद हैं, सब अच्छा काम, सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप माशाल्लाह, मैं कहूँगा कि सर फैज साहब हैं, क्योंकि आप ड्रामे के राइटर हैं, तो शर्मा भाई खुश रहे हैं, हवा दे रहे हैं। रियान भाई आई लव यू यार, आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। उमर भाई के बाद हट के जो अपनी अलग साल दोबारा मनाई इंडिया में जाकर उनको सिखा रहा हूँ। ये बोले हाँ हाँ नहीं सचिन भाई बोले, लेकिन नाम ही बोले ना, वर्दी है लिखने वाला कौन भर करा रहा है? एक मैं समझ गया, लिख रहा था दरवाजा बंद करके अंदर एक औरत गुजरने वाला कौन? गुजरने वाला कौन? अरे जाओ जाओ, औरत की वजह से नस्लें चल रही हैं। अब आदमी बढ़ाने वाला कौन? और कुछ नहीं, नस्लें चल रही है, बच्चे स्कूल के सामने खड़े, टंकी का पेट्रोल कम से कम 15,000 रुपए। छोट छोट, मैंने मेरी टंकी देखी हुई, कितने 15,000 रुपए टंकी देखी हुई, जानू जानू
लड़कियों के लिए और औरतों के लिए स्ट्रिंग अच्छी नहीं है, स्ट्रिंग सही नहीं है, आप एक काम करो स्ट्रिंग फाड़ दो यार, सुनो स्ट्रिंग फाड़ दो, अगर मैं बेहोश हो गया ना तो तेरे को पता चल जाएगा क्या हो गया, ऑर्डर दे रहे ये लोग को तभी जी ये भी होती है पढ़े लिखे पढ़े लिखो के जानते हैं कि ना राजा मेरे ये होती है पढ़े लिखो के ऑर्डर मेरा आप ले आप तो इन दोनों को बोले यहाँ से जाए नवासी थोड़ा तुम्हारे में तुम्हारे शाम बहुत अच्छे तो हो रहा है सब कुछ ये हम भी क्या कह रहे थे शाम तो शाम को तो मुंह कर दिया मना तुम दो चाय लिया ये तो मेरे लिए खतरनाक बात सुनो ये तो मेरे लिए भी खतरनाक है रंग काला हो तुम्हें कैसे काम करो भाई एक काम करो चाय फाड़ो नहीं चाय इसको उड़ेल दो मनुष्य चलो चाय फाड़ दिया आगे भाई तो भाई देखे एक बात आ रही है कि हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट और मेरे ख्याल से मैं अगर पंचिस मानता हूँ ना जिंदगी में कभी तफरी वाले तो एक ही बंदे के होते हैं वो है सिकंदर सनम और उनके छोटे बेटे जो जानते समीर वो मेरा दोस्त है और उनके जो बड़े भाई शहबाज हैं वो मौजूद है मेरे साथ शहबाज भाई क्या हाल है अल्लाह का शुक्र आप सुना आप कैसे अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज भाई क्या हो रहा है यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कहाँ गायब हैं आप भाई देखें इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में हमारे ईद के प्ले की रिहर्सल चल रही है बिल्कुल ईद पे दो प्ले होने जा रहे हैं एक आर्ट्स काउंसिल के ओपन एयर थिएटर में और एक एसी बेसमेंट के अंदर बिल्कुल हम लोगों का जो थिएटर हो रहा है वो एसी बेसमेंट में हो रहा है और ड्रामे का नाम है हमारा ईद मिलो दिल से जिसमें शकील सिद्दीकी साकिर मस्ताना परवेज सिद्दीकी की टीम परफॉर्म करेगी और आर्ट्स काउंसिल के ओपन एयर थिएटर में ड्रामा है ईद के दीवाने जिसमें अली हसन इरफान मलिक शहजाद रजा और सलीम आफरीदी की टीम परफॉर्म करेगी ड्रामे दोनों हमारे अपने हैं सारे आर्टिस्ट हमारे अपने ही हैं आपने आना है दोनों ड्रामों को कामयाब बनाना है क्योंकि ड्रामे बड़े जबरदस्त और मैसेजेबल प्ले आप देखेंगे इस ड्रामे को तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि उमर शरीफ मोइन अख्तर सर टाइप के ड्रामा होगा पर आपको एक ड्रामे का एक रिवाइवल नजर आएगा जो ऑडियंस में से रूठ गई है ना लोग कहते हैं कि वल्गैरिटी डांस वाल तो आपको वो चीज़ इंशाल्लाह भाई देखिए लोगों का ना सोचना ये वाला है कि जब सिकंदर सनम थे उमर शरीफ थे मोइन अख्तर साहब थे तो जब वो ड्रामे हुआ करते थे अब वो नहीं हो रहे तो मेरा मानना ये है कि एक बार ट्राई जरूर करें एक बार जरूर आए क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं आपको नहीं मालूम होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बिल्कुल देखें बातें करना तो कुछ भी नहीं होगा जब तक आप आगे लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तब वो क्या पता है दुनिया में आप एडल्ट मूवी भी तो देख ही रहे ना आजकल डबल मीनिंग कॉमेडी चल ही रही है पर यहाँ आपको डबल मीनिंग कॉमेडी भी नहीं मिलेगी साफ सुथरा फैमिली प्ले मिलेगा उम्मीद करता हूँ आप लोग ईद के दिन जरूर देखने आएंगे भाई पहला शो हमारा 7 बजे स्टार्ट होगा दूसरा शो हमारा तकरीबन 10:30 बजे स्टार्ट होगा ईद के तीनों दिन दो शो है और ईद के बाद फिर एक
और समझ लीजिए भाई जरूर आना है। मैं ऐसी दिखा रहा हूँ लोगों से दवा दे रहा हूँ कि आपने आ रहे हैं और आर्ट्स कॉन्स को दोबारा से ड्रामा जो लोग नहीं देखते वो दोबारा से देखें। थैंक यू शुभाष भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई लव यू। अजरी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और मैं क्या उनके बारे में बात करूं, बहुत छोटा लफ्ज हो जाएगा मेरे लिए बताने में। तो मौजूद है इस टाइम वली शेख सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, खैरियत से हूं। तो इधर रूना का हॉल में नहीं तो मौत पे टलाते। नहीं नहीं, मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका। अच्छा, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरी वीडियो में आ रहे हैं। सर आप माशाल्लाह ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामे का नाम क्या है और किस दिन लग रहा है? ये ईद के पहले दिन से है और दो दो शो होंगे ईद के तीन दिन और फिर संडे को दो शो होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत मजा करने वाले हैं। ईद के दीवाने इस ड्रामे का नाम है, तो आप आइए अपनी फैमिली के साथ, फैमिली ड्रामा है और आप लोग इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करें। जबरदस्त सर, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे आपको, सेहत में रखे हमेशा। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। देखें सबसे बड़ी फखर की बात होती है कि आप किसी जगह जाएं और ड्रामा देखने जाएं और वहाँ पे आर्टिस्ट जो है बेसिकली वो आपका दोस्त निकला। समीर मेरे भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सलाम अलैकुम सबसे पहले। और भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और जैन भाई आ जाए यहाँ पे और इत्तेफाक के मैं इनको मिल गया, मिल गए जो है वो मैं था नहीं ड्रामे में, पर इमरजेंसी में मुझे रखा गया है किसी वजह से। तो बस नहीं, तुम डिजर्व करते हो भाई, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, तुम डिजर्व करते हो, तुम बहुत एक्टर हो, तुम बाय बर्थ एक्टर हो, ये बात तुम दिमाग में रखना, कभी नहीं बोलना कि तुम बुलाए गए, तुम बस बेहतरीन काम करो। जी वो तो बिल्कुल है भाई, पर एक होता है ना कि अगर कंप्लीट कास्ट होने के बाद आपको एक बुलाया जाता है तो एक किसी वजह से ही बुलाया जाता है। बिल्कुल ऐसी है, और बुलाया भी उसको जाता है जो डिजर्व करता। वाकई में समीर मेरी जान, क्या हो रहा है, क्या सीन है भाई? ये ईद का ड्रामा है और ईद के ड्रामे की तैयारियां चल रही है। तो बस ये है कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबसे ये कहूंगा कि ईद पे आर्ट्स कौन से आप आए और इंजॉय करें, क्योंकि तीनों ईद पे जो है वो दो दो शो होंगे, एक 8 बजे होगा और एक अपना 10:30 बजे होगा। तो बड़ा मजेदार होगा, बड़ा क्लास की टीम है यहाँ पे भाई, और जिसमें अली हसन, इरफान मलिक और सलीम आफरीदी हैं और वली शेख हैं और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम शहजाद रजा जो उमर अंकल, याकत अंकल, मोइन अंकल के साथ कर चुके हैं, तो वो भी हैं। माशा से बहुत अच्छी कास्ट है, बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह। और मुझे बताओ भाई, भाई यूट्यूबर भी है, मतलब बता चुका हूँ पहले भी, अभी भी बता रहा हूँ, यूट्यूबर भी है। चैनल का नाम क्या था भाई? मेरे चैनल का नाम है समीर सनम, और दूसरा जो चैनल है जिसपे ज्यादातर अभी वीडियोस बना रहा हूँ वो मेरे फादर के नाम से सिकंदर सनम ऑफिशियल। बिल्कुल, तो वो फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है, दोनों पे हम लोग जो है वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप दोनों एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बड़े मजे की वीडियोस होती है, मैं खुद देखता हूँ भाई, काफी बात है। और मैं इसकी बोल रहा हूँ कि देखें आप भी जाके, पर उस पे तो ज्यादातर फनी जो है वो भाई बनाते हैं, मैं तो शहबाज मिले भी, मिल गया शहबाज मिले, वीडियो ज्यादा फनी बनाते हैं, मैं व्लॉग करता हूँ ज्यादा, ये व्लॉगर है भाई, इनका सीन मेरा वाला ही है व्लॉगिंग वाला, और स्किट्स जो करते हैं वो शहबाज भाई करते हैं। समीर मेजान बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह पाक कामयाब रखे आपको, आपको भी अल्लाह पाक कामयाब करे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। अजरी तमाशा बहुत कर लिया, मतलब तमाशा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इनको जान दी तमाशा से, बाकी काम तो बहुत पुराना करते हुए आ रहे हैं, और बहुत बड़ा नाम है दानिश भाई। दानिश भाई क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं अल्लाह का शुक्र। दानिश भाई कैसे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने ये सब। दानिश भाई क्या क्या सीन है आपका यहाँ पे, आप ड्रामा कर रहे हैं माशाल्लाह, सुना मैंने यहाँ पे। यार ड्रामा मैं हादसाती तौर पर कर रहा हूँ, मैं ड्रामा था नहीं, लेकिन अभी वो अली हसन, इरफान मलिक मेरे भाइयों की तरह, मैंने उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है शुरू में, और समझ लें एक तरीके से वो मेरे मौसी नहीं कह रहे हैं, मुझे फील्ड में बड़ा टीचर भी कह सकते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में यार भाई वो लेके गए, उन्होंने बड़ा सिखाया, थिएटर में बड़ा सिखाया, नजर भाई मेरे उस्ताद थे, शायद राना मेरे को लेके आया, लेकिन अली भाई ने, इरफान भाई ने बड़ा सपोर्ट किया, जब उनकी कॉल आती है तो मैं उनका मना नहीं करता बिल्कुल भी, तो इसमें भाई एक वो स्क्रीन था फंसा हुआ, वो एक आर्टिस्ट चला गया था, तो उन्होंने भाई तू करेगा, तू ही कर सकता है, वो सिंगर भी कर सीन है, तो अभी मैं फारूक हूँ जीव की रिकॉर्डिंग से, बिल्कुल तो बस आज से मैंने इनको ज्वाइन करा, दो दिन इन चला चला बुलाना हर किसी को भी, मतलब नहीं बुलाता ना बंदा कोई टैलेंट, मतलब चीज भाई, मतलब जानते हैं, मुझसे जानते हैं, आपकी दुआएं हैं, बस अल्लाह ताला इज्जत रखता है, कुछ भी नहीं है, बस ये है कि अल्लाह ताला ने रोजी लगाई भी है, बिल्कुल तो अल्लाह उसके जरिए काम भी करवा रहा होता है, तो बस ये है कि जब आप काम करते हैं वो आपके बस में नहीं होता, वो अल्लाह करवा रहा होता है, आपके घर का रिस्क वाला चल रहा होता है, इस वजह से आप अच्छा कर रहे होते हैं, अल्लाह उसको अच्छा कर देता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। सर क्या बोलना चाहेंगे दिखने वालों को मेरे आप? बस ये है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखे, एक दूसरे का साथ दें, और मेरे भाई के व्यूज बढ़ाते रहे, इनको लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी वजह से ही ये सारे बच्चे जितने भी सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपनी यंग जनरेशन को अभी सोशल मीडिया में उनको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप ना चाहते हो भी ना उसको ना करें, उसको लाइक ज़रूर करें, आपको कुछ नहीं आता,
लेकिन बच्चों को हौसला मिलता है, इससे और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। देखें मिलना बड़ा मैटर नहीं था, पर एक अच्छे इंसान से मिलना बहुत बड़ी बात होती है। राज भाई बहुत अच्छे इंसान है, आप सीरियसली बता रहे हो, बहुत अच्छे इंसान है आप, खुद बहुत अच्छे इंसान है। जो अच्छा इंसान होता है ना उसको सब अच्छे ही लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ख्याल रखे, शुक्रिया। एक्चुअली आप लोगों ने देखा मैच कौन से लाया हुआ था और बहुत बड़े नामों से मिलवाया आपको मैंने, और मैं अगर ये नाम ऐड ना करूँ ना तो मेरा ब्लॉग आज का कंप्लीट नहीं है। तो आपने बहुत इनको देखा हंसाते हुए, तो आज मेरे साथ मौजूद है बहुत बड़ा नाम स्टेज का, जाकिर मस्तान साहब। सर कैसे, खैरियत से हैं आप? आरजे हुसैन बहुत शुक्रिया आपका, और मैं देखता रहता हूँ आपको मैं, ठीक है ना? और ड्रामा कर रहे हैं ईद मिलो जी, बिल्कुल दिल से, और सब बड़े आर्टिस्ट माशाल्लाह। आप माशाल्लाह आप भी तो आप कम नहीं है, आपका अभी बहुत बड़ा है, बहुत पता है आपके। और भाई आपके जो चैनल को जितने लोग देखते हैं, मैं तो कहूँगा कि आप लोग आए, आप लोग भी ड्रामा देखें हाटकोसर में, और जो आपका चैनल है उस पर भी बड़ी अच्छी अच्छी मुझे अच्छा लगता है। और मैं लोगों से भी कहूँगा कि आरजे का जो चैनल है अपना, आप जो इनका चैनल है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे ये होती है कि हिम्मत बनती है काम करने की। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।